बलरामपुर मोहनलाल रामलाल इंटर कॉलेज शिवपुरा प्रांगण में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता व बूथ अध्यक्ष पार्टी के रीढ़ की हड्डी है। उनकी ही मेहनत से हमारा बूथ काफी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व समाजवादी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। बहन बेटियां सड़कों पर चलने में भय खाती थीं। आज उत्तर प्रदेश सरकार में कानून का बोलबाला है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं और जो हैं वह जेल की सलाखों के पीछे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कोयला घोटाला, सेना के सामानों में घोटाला, खेल के संसाधनों में घोटाला जमकर किया गया, जिसमें तत्कालीन संबंधित एक मंत्री को जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया। यादव जीत रहे हैं, चाचा लड़ रहे, भाई लड़ रहे, भतीजे लड़ रहे, मियां लड़ रहे और बीवी भी लड़ रहे। भाई यादव समाज के लोगों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आपके वोटों की बदौलत बनी है समाजवादी पार्टी। आपका हक कहां गया? आपके अंदर क्या वजूद नहीं है? आपने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है यादव समाज के लोगों, इसलिए मैं यादव समाज के लोगों से कहने के लिए आज श्रावस्ती में आया हूं। अपनी आंखें खोलो, ये समाजवादी पार्टी समाजवादियों की नहीं, ये परिवारवादियों की पार्टी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।